से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाई सिक्स क्लास के बच्चों, तो आप SST का हम पढ़ रहे हैं यूनिट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जो हमारा हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मतलब जिससे जो टाइम इंडिकेट होता है, जिससे हम टाइम देखते हैं, वो क्या है। ठीक है, देखिए इसका आंसर है, वी नीड स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। मतलब हिंदुस्तान के लिए हमें ज़रूरत थी या ज़रूरत है किसकी, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन की। ठीक है, बिकॉज क्योंकि देयर इज ए टाइम लाग ऑफ अबाउट 2 आवर्स बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। तो कितने घंटे का फ़र्क है, 2 घंटे का फ़र्क था, ये कन्फ्यूजन थी। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब देखा गया है। समझ आ गई। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे, टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ टाइम इन डिफरेंट स्टेट्स। मतलब जो ये टाइम की कन्फ्यूजन थी हर अलग अलग स्टेट रियासत में, ठीक है, तो इंडिया अडॉप्ट ए स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया ने भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है उसको अडॉप्ट किया, विच इज़ 82 डिग्रीज, कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, एंड इट पास थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ से पास होता है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होता है। ठीक है, तो इस मेरिडियन को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है, होमवर्क करना है, तैयारी करते रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।